दो दलित बहनों की हत्या के मामले में 5 अरेस्ट हुए, एक को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा। 14 सितंबर को लखीमपुर खीरी में गांव के बाहर दो दलित बहनों की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारियां दी है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम छोटू, जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन और आरिफ है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक शवों का पोस्टमार्टम होने जा रहा है। 3 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने ये भी कहा है कि मृतकाओं का अपहरण नहीं हुआ था, वो अपनी मर्जी से गई थी। एसपी संजीव सुमन ने बताया, मृतिका और आरोपी दोस्त थे, दोस्ती हाल की थी। हमें जांच में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो आपत्तिजनक हो। उनको बहला फुसला कर खेत में ले जाया गया था और मृतकों की इच्छा के विरुद्ध उनसे शारीरिक संबंध बनाए गए। सुहेल और जुनैद मुख्य आरोपी है। सभी के कपड़ों का और सबका मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। ये सब हमारी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है, बाकी सब पोस्टमार्टम में साफ होगा। दलित बहनों की हत्या मामले में सोशल मीडिया पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग तेज होती दिखाई दे रही है। एंटी रेप एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने ट्वीट के माध्यम से कहा, लखीमपुर खीरी में नाबालिग बेटियों की हत्या और कथित तौर पर गैंगरेप के आरोपी जुनैद से पुलिस की मुठभेड़, जुनैद को लगी गोली, 6 लोग गिरफ्तार, सभी आरोपी आपस में दोस्त है। आरोपियों में जुनैद, सोहेल, आरिफ, हफीज, करीमुद्दीन और छोटे हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने इस घटना पर लिखा, जुनैद, सोहेल, आरिफ, हफीज, करीमुद्दीन और छोटू दलित बहनों की दिल दहला देने वाली हत्या के लिए जिम्मेदार है। मशहूर आरजे साइमन ने इस मामले पर कहा, लखीमपुर की बच्चियों की बर्बरता से हत्या करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आपको बताते चले कि 14 सितंबर की रात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गांव के बाहर दो लड़कियों की लाश मिली थी, पेड़ से लटकती हुई। मृतकाएं दलित समुदाय से है, दोनों नाबालिग थी। इसके बाद से ही इलाके में तनाव बना हुआ है। मृतक लड़कियों की मां का आरोप है कि 14 सितंबर की दोपहर में 3 लड़के उनकी बेटियों को उठाकर ले गए थे और फिर हत्या कर शव पेड़ से लटका दिए। ये वारदात निघासन थाना इलाके के तमोलिन गांव की है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।